रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी हत्याकांड को लेकर कहा है कि विपक्ष को इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मामले को लेकर पुलिस की 5 टीमें गठित हो गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों को अहम जिम्मेदारी देने से पार्टी को बचना चाहिए था। सबको पता है कि कांग्रेस ने हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस तरह इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की डेड बॉडी को लेकर फरीदाबाद में पूरे दिन हंगामा रहा। जहां मुख्यमंत्री ने विकास चौधरी को आपराधिक छवि वाला बताया, तो वहीं उल्टे कांग्रेस ने बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक को आपराधिक छवि का करार दिया। गुरुवार को फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसी नेताओं और जिला पुलिस के बीच गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिला। सुबह होते ही पुलिस ने जिला अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया ताकि कांग्रेसी नेता अस्पताल से बाहर ना जा सके। माहौल तब ज्यादा बिगड़ गया जब अस्पताल प्रशासन ने विकास चौधरी की डेड बॉडी देने से मना कर दिया और कहा अभी कागजी कार्रवाई बाकी है। इस बात से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अस्पताल से निकलने की कोशिश की, तो गेट पर ही पुलिस ने तमाम नेताओं को रोक लिया। इसके बाद पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प देखने को मिली। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री ने विकास चौधरी को आपराधिक छवि का व्यक्ति करार देते हुए उल्टे कांग्रेस पर निशाना साध दिया। देखिए, वैसे हमें अपनी पुलिस फोर्स है, जो पुलिस बल है, हमारे अधिकारी हैं, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। अब उनकी सरकारों की तरह नहीं चलते हैं कि किसी भी घटना को वो बैठ करके और कंट्रोल करेंगे। कैसे कैसे राजनीतिक संरक्षण अपराधी वृत्ति के लोगों को मिलता रहा है, ये उदाहरण के बहुत। और मैं अगर इसको गलत ना आप समझें तो मैं उस बात को यही कहूँगा कि जब इस केस की भी परतें खुलेंगी, इस केस की भी छानबीन जब होगी, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और चूँकि हमारे अधिकारियों ने स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ कि इस व्यक्ति के, हालांकि घटना जो है बहुत इन्होंने घटना है, कोई मर्डर की घटना को सपोर्ट नहीं करेगा और इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के कैरेक्टर का भी हमको ध्यान रखना होगा कि इनको घोषित किया गया बीसी का बैड करेक्टर घोषित किया हुआ ये व्यक्ति, जिसको वो अपनी पार्टी में ले जा करके और स्पोक्समैन बनाते हैं, किसी व्यक्ति की उनको पहचान करने में इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आखिर जिस व्यक्ति के खिलाफ 13-13 FIR हों और जिस वो संगीन अपराध। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने जानबूझकर विकास चौधरी की डेड बॉडी सुबह नहीं दी, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री शहर में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे। वहीं अशोक तंवर ने मुख्यमंत्री द्वारा विकास चौधरी को आपराधिक छवि का व्यक्ति करार दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंसानियत मर चुकी है। संवेदनशीलता तो कभी थी नहीं, अगर संवेदनशीलता होती तो 4 बार हरियाणा नहीं जलवाते ये खुद। और इस तरह के बयान देखना, ये मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। और कल से हम देख रहे हैं जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेता फैला रहे थे, पुलिस ऑफिसर जो हैं उनसे फैलवाया जा रहा था, आज वो खुद मुख्यमंत्री ने बात कह दी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र है। और अगर हमारे नेता ऐसे हैं तो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से वो है? पहली बात तो ये है नहीं, क्योंकि एक वीडियो और भी दूसरा आया है जिसमें 12 उसमें मामलों में SHO खुद कह रहे हैं कि ये बरी हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर 5 लोगों की टीम गठित कर दी गई और जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ने का दावा किया गया। बहरहाल देखना होगा पुलिस अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे भेजती है। विनय सिंह, टोटल न्यूज, फरीदाबाद। तो भारतीय जनता पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टी में आने से कोई परहेज नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था होनी चाहिए, हर किसी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, ये कहना है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का। वो रोहतक में प्रदेश के संस्था प्रमुखों की बैठक लेने पहुंचे थे। समाज में सब वर्गों को हम छुए, सर्वस्पर्शी सदस्यता हो, और जो की वोटर्स हैं, समाज को कहीं कहीं प्रभावित करने वाले होते हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग होते हैं,
ऐसे लोगों से संपर्क करके उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, ये भी इस अभियान का विशेष हिस्सा रहने वाला है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए, मैंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकार करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सके।